हेलो दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है अपना एटीएम कार्ड से अपना एसबीआई एटीएम में दूसरा किसी को फोन ट्रांसफर कैसे करें। उसको दिखाने से पहले यदि मेरे वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रेड कलर का बटन है उसको टच करें, सब्सक्राइब हो जाएगा। साइड में एक बेल आइकन है उसको टच करें, उससे क्या होगा मेरे कोई भी लेटेस्ट वीडियो में अपलोड करूँगा पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, आप आराम से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक कार्ड को पुश कर दीजिए, पुश करने के बाद निकाल दीजिए। निकालने के बाद जो यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑप्शन दिया हुआ है ये 3 नंबर वाला, इसको टच करिए। ठीक है, अपना जो भी पासवर्ड रखे हो वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप करिए। टाइप करने के बाद जो कार्ड टू कार्ड फोन ट्रांसफर, इसके ऊपर टच करिए। और कार्ड का ऊपर आपका नंबर लिखा होगा और नंबर यहाँ पर आप टाइप करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम 12 ना 15 तो होता है कार्ड नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, इसके बाद यस कर दीजिए। फिर से वही कार्ड नंबर आपको टाइप करना है, जो कार्ड नंबर ऊपर ऐसे ही नंबर लिखा होगा इसको टाइप कर दीजिए, यस कर दीजिए। कितना रुपया का आप फोन देना चाहते हो यहाँ पर आपको टाइप करें, जैसे कि 5000 में लिख दिया। इसके बाद करंट कर दीजिए। करंट करने के बाद फिर से आपसे कॉन्फर्म करने के लिए, ये मैं नंबर गलत मारा हूँ इसलिए आप ऐसा नहीं दिखा रहे, और वहाँ पर आपका नंबर लिखा होगा कार्ड नंबर देखिए। इसके बाद कंफर्म कर दीजिए, आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसमें जो कुछ डाउट तो कमेंट जरूर करो, मैं आपको कमेंट रिप्लाई जरूर दूंगा। मेरे चैनल को देखने के लिए शुक्रिया।